नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दत्तात्रेय और आप देख रहे हैं वानी टेक। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम एमएस पेंट में कोई इमेज या फोटो हो वो कैसे सिलेक्शन करते हैं, उसे इनवर्ट कैसे करते हैं, उसे डिलीट किस तरीके से करते हैं, या पूरा पिक्चर आपको सिलेक्ट करके उसको वहाँ से कैसे हटाना है ये देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम यहाँ पे एमएस पेंट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एमएस पेंट स्टार्ट हो चुका है। अब कोई भी हम पिक्चर यहाँ पे इमेज लेंगे इस तरीके से। हमने यहाँ पे बहुत इमेजेस बना के लिया है, इसको अभी यहाँ पे कलर करेंगे थोड़ा इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें सर्कल को सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्शन टूल पे जाना पड़ेगा। यहाँ से सिलेक्शन टूल मैंने क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके लिया यहाँ से, और यहाँ पे इसको पूरा सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से मैंने सिलेक्ट करके इसको ऐसे हटा सकता हूँ, कहीं पे भी इसको शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे इसको भी हटा सकता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे जाके मैं इसको पूरा बिठा सकता हूँ। अगर चाहे तो मैं पूरे पेज को भी इस तरीके से पूरा सिलेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, एक ही साथ सबको यहाँ से हटा सकता हूँ, एक बाजू में कर सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह पे। देखिए अभी यहाँ पे मैंने सिलेक्शन करके हटाए। इस सिलेक्ट का पहला है, इसमें फ्री फॉर्म सिलेक्शन है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया ऐसे सिलेक्शन करना होगा तो वो सिलेक्शन करके वहाँ से इस तरीके से हटा सकते हो। देखो अभी यहाँ का जो पूरा पोर्शन है उसको यहाँ से हमने हटा दिया है। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट ऑल करने से यहाँ पे सर्कल आप देख सकते हो ये बाजू, और पूरा पेज यहाँ पे, यहाँ पे, और ये जगह पे, सब जगह पे यहाँ से इसका पूरा सिलेक्शन हो चुका है। चाहे तो आपको इस जगह से मूव कर सकते हो, चाहे तो इसको आप सिलेक्शन करके डिलीट भी कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पे अंडे कर देता हूँ। जितनी स्टेप मैंने आगे ली थी उतनी स्टेप मैंने पीछे कर दी। अब कोई पर्टिकुलर एरिया आपने सिलेक्शन किया यहाँ से और उसको इनोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप इनोड कलर कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कलर डालना पड़ेगा, फिर यहाँ से जाके आपको इस पोर्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे इनोड करना पड़ेगा। इनोड कलर करने से आपको यहाँ का कलर चेंज हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से। यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, देखिए, और खाली इसको कलर को मैं यहाँ पे इनोड कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कलर कुछ फिल किया होगा इस तरीके से, और सिलेक्ट ऑल करके इसको मैं यहाँ पे इनवर्ट कलर कर दूंगा, तो यहाँ का पिक्चर का कलर पूरा चेंज हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल, इनवर्ट सिलेक्शन। अगर यहाँ पे मैंने बाकी के जो कुछ कलर है उसको लेके यहाँ पे अच्छी तरीके से पेस्ट किया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट ऑल कर दिया मैंने, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हो गया पिक्चर, और यहाँ पे मैंने चेंज करने के लिए दिया तो कमांड यहाँ पे अच्छी तरीके से कलर चेंज हो जाता है। अब आगे देखते हैं इसमें से, इसको मैं पहले सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ब्लैक कलर लेके कुछ और ड्राइंग बनाता हूँ, शेप्स बनाता हूँ यहाँ पे मैं इस तरीके से। यहाँ से देखो आगे जैसे चाहे आपको, आप यहाँ पे बना के ले लो। अगर मैंने पर्टिकुलर एरिया यहाँ से सिलेक्ट करके ले लिया
यहाँ पे पहले देखने के लिए आपको यहाँ पे मैं कलर डाल देता हूँ इस एरिया में, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अच्छी तरीके से। इसको सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे पेज को, अगर इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ का सफ़ेद वाला पोर्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इसके क्या करना पड़ेगा, मुझे सिलेक्ट में जाना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करना पड़ेगा। देखिए अभी जो सफ़ेद वाला पोर्शन था यहाँ से हट गया है। इसको किसी भी इमेज के ऊपर लेके जाऊँगा तो पूरा इमेज साफ हो जाएगा और जितना शेप का एरिया है उतना ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे वाला जो इसमें कमांड है वो डिलीट है। अगर आपने जितना एरिया सिलेक्ट किया उसको उतना ही डिलीट यहाँ से कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे इतना सिलेक्शन किया पर्टिकुलर एरिया आधा ही, और इसको यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर देता हूँ और यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ तो इनवर्ड कलर होने से यहाँ से क्या होगा, कलर में चेंजेस आ जाएंगे पेजेस में, देख लीजिए इस तरीके से। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।